स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल में। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं इस टाइम प्रयागराज के नगर पंचायत भारतगंज वार्ड नंबर 5 का एरिया जो है, यहाँ पर एक जो स्टेशन रोड है यहाँ पर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, इसका केबल जल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर लोगों से मैंने पूछा तो लोगों ने कहा कि मैंने फोन किया है, जानकारी दे रखा है, लेकिन आप ये देखिए इस खंभे को यहाँ पर किस तरह से केबल में आग लगी हुई है। अभी तक यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं पहुँचा, जो कि अभी लाइन कटे 5 मिनट हो चुका है। बगल में ही ट्रांसफार्मर का यहाँ लगा हुआ जो पावर हाउस है, जिसको बोलते हैं गोला बाजार, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। वहाँ पर अक्सर लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए जो कि रहती है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है। आपको मैं दिखा रहा हूँ इस टाइम इस खंभे में, ये देखिए बहुत तेज़ी से ये जो है जल रहा है, जो तार लगा हुआ है इसमें केबल वाला। हालांकि लाइन कटी हुई है, दिक्कत फिलहाल इससे किसी तरह से जान माने किसी तरह का कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, लोग यहाँ पर कोई नहीं है। आपको मैं दिखा रहा हूँ अक्सर से, देखिए हालात बस से बदतर हो जा रहे हैं, लाइन बेपटरी होती जा रही है। आपको देखने को ये मिला होगा कि 15 अगस्त को जिस तरह से लाइट बहुत अच्छी दी गई और वही खंभा वही वेदर वही तार होते हुए भी अच्छी वोल्टेज लोगों को मिला, अच्छी तरह का लोगों ने उससे फायदा उठाया, बहुत प्रसन्नतापूर्वक उस दिन को गुजारा लोगों ने। आज वही बिजली वही केवल वही तार होते हुए भी बिजली सप्लाई वोल्टेज भी कम आ रहा है और हालात 10 बार काटा जा रहा है दिन में। और अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जिस तरह से आग लगी हुई है, यह केबल जल रहा है। फिलहाल मैं देखता हूँ आगे और लोगों से जानकारी लेता हूँ और फोन करके जानकारी लेता हूँ जे ई साहब से, क्या उनको अभी तक इस बात की कोई खबर मिली या नहीं मिली। धन्यवाद। जन जागृत चैनल से मैं इस्लाम अंसारी, नगर पंचायत दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।